हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है भोला तो भोला फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसका ओ टी टी प्लेटफॉर्म सेटेलाइट प्लेटफॉर्म कौन सा है वहां पे कैसे आप फ्री में ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर मैं बातचीत करके देने वाला हूं फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा ये एक रीमेक फिल्म है तो ओरिजिनल रीमेक के बीच में कंपेरिजन किया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म की स्टार स्टारकास्ट सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की जाएगी म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं भोला जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रीमेक किया गया था केदी दो की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोकेश कनेक राज ने लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन पच्चीस करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश कनक राज ने काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इसी इस, इन सभी चीज़ों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के टू आने के पॉसिबल टी रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश कनगराज ने लिखी और डायरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकोल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से के फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पर लोकेश कनगराज जो फिल्म के डरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पर केदी के विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केमियो अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच सी चीज़ों के बीच में के फिल्म की हिंदी रिमेक राइट्स अजय देवगन ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रिमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवगन ने डिरेक्ट करने का फ़ैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीज़ें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह एंड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकवल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए हैं कैदी फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस्ड लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो दो की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पर इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हुए इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो कहानी संदीप और श्रीधर दुबे ने क्रिएट किया हुआ था स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा हुआ था डायरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डायरेक्टर के तौर पर उनकी चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी आई मेक्स थ्री डी फोर डी एक्स थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे उनकी प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज़ फिल्म अजय देवगन फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट दिया गया था जिसका मतलब कि यह फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को पेना रोमा स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पी पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पाँच गाने वो सभी गाने उन्होंने ही कंपोज किए हुए वहीं पे जो म्यूज़िक के राइट्स है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज़ ने अपने पास रखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग है वो किए हुए धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तेरह जनवरी दो

बातचीत करे जो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है तबू एस पी डायना जोसेफ के रोल में दिखाई देंगे ओरिजिनली में ये रोल है वो नरेन ने प्ले किया हुआ था जो एक पुलिस मेल कौन, कौन, पुलिस ऑफिसर थे तो वो रोल यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ चेंज किया हुआ है वहीं पे संजय मिश्रा ने कॉन्स्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा थामा के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि आशू के एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था तो, किरण कुमार ने आईजी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनर के रोल में दिखाई देंगे अर्भित रानका ने इस फिल्म में भूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काटची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हीरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली एक एय रौनक का रोल प्ले किया हुआ है दीपाली गौतम ने नैना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुकुंद रमेश पाल को बेंगन का रोल दिया गया था चेतन शर्मा ने चेतन ए के चश्मिश का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंक तिवारी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे बच्चन पाचेरा ने ऑर्फनेज गार्ड का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति गौबा ने इस फिल्म में डॉक्टर सुरभि का रोल प्ले किया हुआ है अखिलेश मिश्रा ने इस फिल्म में अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में और फन टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूरी एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केमियोपीरियर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे राय लक्ष्मी ने पान दुकनिया गाने में अपना आइटम नंबर दिखाया हुआ एक आइटम सॉन्ग था उसमें उनका बार डांसर के तौर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अमला पॉल इस फिल्म के एक फ्लैशबैक पोर्सन में देखने को मिलती है जो डॉक्टर स्वारा का रोल था उन्होंने वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैम देखने को मिलता है बोला कि वर के रूप में जो एक चोमू सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सीक्वल के लिए रखा गया है साउंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज और सारे गमां के पास म्यूजिक के राइट्स है टी सीरीज़ के पास चार गानों के राइट्स है वहीं पे सारे गा के पास एक गाने के राइट्स है दो हजार इन गानों को रिक्रिएट किया गया था और इस साथ इसमिल ने गानों के लिरिक्स राइटिंग की हुई है रवीर बसरू ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए इसके अलावा सभी गानों को नौ अप्रैल दो को ऑफिशियली यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था नजर लग जाएगी जिसको जावेद अली ने गाया हुआ था आधा में आधी वो उसको बी प्राक ने गाया हुआ था पानी कपूर स्वरूप खान ने गा था जिसमें सुन सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पर टू डी थ्री डी आई मेक्स थ्री डी फोर डी एक्स आईसी थ्री डी फॉर्मेट में तीन मार्च दो 2023 को थिएटर में यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था पी पिक्चर्स पेन स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने सोलह वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सिक्वेंस की काफ़ी तारीफ की, की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ की गई थी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ़ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी ज़रूरत नहीं थी वहीं पे जो फ्लैशबैक पोर्शन है उसको भी शॉर्ट

क्या ग्यारह करोड़ बीस लाख पहले दिन पे छः करोड़ दूसरे दिन पे ग्यारह करोड़ तीसरे दिन यानी कि के दिन कलेक्ट किया था संडे के दिन 12 करोड़ बीस लाख का कलेक्शन करीबन चौवन करोड़ अस्सी लाख का, का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दूसरे वीक खत्म होते होते ग्यारह करोड़ बाईस लाख तक कलेक्शन किया तीसरे वीक तक इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन इंडिया का था वो सेवन करोड़ सॉरी ने नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से पाँच करोड़ चार लाख का इंडिया से कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन इंडिया में पांच वीक तक चलाया हुआ था जहाँ पे बयासी करोड़ चार लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोथ कलेक्शन था सन्तानवे करोड़ सड़सठ लाख और से इसमें इस फिल्म ने तेरह करोड़ संतानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया है जिसके चलते इस फिल्म ने एक सौ ग्यारह करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वॉला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अब एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ टी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स सी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो 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 प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी बो...

बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में एंजॉय कर सकते हो इसके अलावा केदी फिल्म जो भोला का ओरिजिनल वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर केदी नाम के साथ आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से भोला फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन भी आप इन्जॉय कर पाओगे भोला जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रीमेक किया गया था केदी 2019 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोकेश कनेक राज ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश कनक राज ने काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इसी इन सभी चीजों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के टू आने के प्रोसेस रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश कनगराज ने लिखी और डायरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकोल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से केदी फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पे लोकेश कनगराज जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पे केदी केदी विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केम्यू अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच सी चीज़ों के बीच में के फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स अजय देवगन ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रिमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवगन ने डिरेक्ट करने का फैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीज़ें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह एंड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकवल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए हैं कैदी फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस्ड लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो दो की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हुए हैं इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो कहानी है उसको लिखा हुआ है आमिल कियान खान अंकुश सिंह संदीप केवालियान और श्रीधर दुबे ने ओरिजिनल स्टोरी लोकेश कनक थी उसका हिंदी वर्जन इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ था डरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डिरेक्टर के तौर पर उनकी ये चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पे रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे उनकी प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज अजय देवगन रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ चौवालीस मिनट दिया गया था जिसका मतलब कि ये फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को पेनारोमा स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पांच गाने वो सभी गाने उन्होंने ही कंपोज किए हुए वहीं पे जो म्यूजिक के राइट्स है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज ने अपने पास रखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग है वो किए धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने इस फिल्म को 144 मिनट यानी कि दो घंटे 24 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 13 जनवरी 2022 से स्टार्ट की गई थी फिल्म की शूटिंग हैदराबाद मदाइस लैंड खारगर मुंबई वाराणसी ऐसे अलग अलग लोकेशंस में की गई थी फिल्म के कई एक्शन एक्वंस को ग्रीन स्क्रीन में और सीजय के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसके चलते फिल्म को काफ़ी लंबा टाइम लगा था शूटिंग में करीबन एक साल जितना समय लगा था जहाँ पे छः जनवरी दो तक फिल्म का पेच वर्क कंप्लीट करवाते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें जो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है तब वो एस डायना जोसेफ के रोल में दिखाई देंगी ओरिजिनली में ये रोल है वो नरें ने प्ले किया हुआ था जो एक पुलिस मेल पुलिस ऑफिसर थे तो वो रोल यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ चेंज किया हुआ है वहीं पे संजय मिश्रा ने कांस्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा आशु के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि आशु के एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था किरण कुमार ने आईजी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनर के रोल में दिखाई देंगे अरबित रानका ने इस फिल्म में भूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काटची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हिरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली एक रौनक का रोल प्ले किया हुआ है दीपाली गौतम ने नैना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुकुंद रमेश पाल को बेंगन का रोल दिया गया था चेतन शर्मा ने चेतन ए के चश्मिस का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंक तिवारी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे बच्चन पाचेरा ने ऑर्फनेज गार्ड का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति गौबा ने इस फिल्म में डॉक्टर सुरभि का रोल प्ले किया हुआ है अखिलेश मिश्रा ने इस फिल्म में अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में ऑर्फनेज टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूर्य एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केमियोपीरियर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे राय लक्ष्मी ने पान दुकानैट गाने में अपना आइटम नंबर दिखाया हुआ एक आइटम सॉन्ग था उसमें उनका बार डांसर के तौर पे के परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अमला पॉल इस फिल्म के एक फ्लैशबैक बैक पोर्सन में देखने को मिलती है जो डॉक्टर स्वारा का रोल था उन्होंने वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैमियो अपीरेंस देखने को मिलता है भोला के अराइवलवर के रूप में जो एक चोमू सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सीक्वल के लिए रखा गया है साउंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज और सारे गा के पास म्यूजिक के राइट है टी सीरीज के पास चार गानों के राइट है वहीं पे सारे गमां के पास एक गाने के राइट है दो हजार इक्कीस गानों को रिक्रिएट किया गया था और इस साथ कामिल ने गानों के लिरिक्स राइटिंग की हुई है रवीर बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा सभी गानों को नौ अप्रैल दो को ऑफिशियली यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था नजर लग जाएगी जिसको जावेद अली ने गाया हुआ था आधा में अधि वो उसको बी प्राक ने गाया हुआ था पान दुकान गाने को कनिका कपूर स्वरूप खान ने गाया था यह एक आइटम सॉन्ग था जिसमें राय लक्ष्मी ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था दिल है बोला उसको अमित मिश्रा ने दिए गाया हुआ था वहीं पे आ रहा ओ आ रहा ओ करके जो गाना था उसको हरिहरन ने गाया हुआ था तो ये टोटल तेईस मिनट के साइड साउंड ट्रिक के साथ इस गानों को क्रिएट किया गया था जिसको फिलहाल मैं आप ऑफिशियली यूट्यूब पर टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पर टू डी थ्री डी आई मेक्स थ्री डी फोर डी एक्स आई सी थ्री डी फॉर्मेट में तीस मार्च दो हज़ार तेईस को थिएटर में यू एस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था पी वी आर पिक्चर्स पेन स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी इस फिल्म ने 16,000 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सिक्वेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ की गई थी फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी ज़रूरत नहीं थी वहीं पर जो फ्लेशबैक पोर्सन है उसको भी शॉर्ट निपटाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी नज़र आती है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी एज अ डायरेक्टर के तौर पर अजय देवगन ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया था वो भी बढ़िया था तो ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी डिसेंट वॉच फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन के ऊपर एक डिसेंट बस के साथ ग्यारह करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था पहले वीकेंड में फिल्म ने करीब चालीस करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था नेट कलेक्शन इंडिया से तो पहला वीकेंड एक एक्सटेंडेड वीकेंड था क्योंकि इस फिल्म को गुरुवार को रिलीज किया था तो क्या ग्यारह करोड़ बीस लाख पहले दिन पे छः करोड़ दूसरे दिन तीसरे दिन पे करोड़ तीसरे दिन यानी कि सैटरडे के दिन कलेक्ट किया था संडे के दिन बारह करोड़ बीस लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते इस फिल्म ने वीकेंड करोड़ लाख का दर्ज किया उसके बाद में में इस फिल्म ने पहले वीक चौवन करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था।, था उसके बाद में इस फिल्म ने दूसरे वीक खत्म होते होते ग्यारह करोड़ बाईस लाख तक कलेक्शन किया तीसरे वीक के एंड तक इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन इंडिया का था वो सेवन लेक्स एटी टू करोड़ सॉरी सॉरी सेवन करोड़ एटी टू लेक्स तक पहुंचा हुआ था चौथे वीक तक इस फिल्म ने इक्यासी करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से वीक तक इस फिल्म ने बयासी करोड़ चार लाख का इंडिया से कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन इंडिया में पांच वीक तक चलाया हुआ था जहां पे बयासी करोड़ चार लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन था संतानवे करोड़ सड़सठ लाख और सीज में इस फिल्म ने तेरह करोड़ संतानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने एक करोड़ चौसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वाला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अबव एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स सी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी भो, भोला नाम के साथ जहां पे इस फिल्म का विथ इंग्लिशल सब विध सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन में फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पे इंजॉय कर सकते हो तो भोला नाम के साथ वो फिल्म वहां पे आपको प्रीमियर होती हुई दिखेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेटेड चैनल हो तो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा केदी फिल्म जो भोला का ओरिजिनल वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन गोल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर केदी नाम के साथ आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से भोला फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन भी आप इंजॉय कर पाओगे भोला जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रीमेक किया गया था केदी 2019 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोकेश कानेगराज ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे 105 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश कनक राज ने काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इसी इन सभी चीज़ों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के दी टू आने के पॉसिबी रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश कनगराज ने लिखी और डायरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकोल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से के फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पर लोकेश का नगरा जो फिल्म के डरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पर के दी टू विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केम्यू अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच इसी चीज़ों के बीच में केदी फिल्म की हिंदी रीमेक राइट्स अजय देवगन ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रीमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवगन ने डिरेक्ट करने का फैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस हुए भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीज़ें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह एंड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकुल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए हैं कैदी फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो दो की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हुए इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो उस कहानी है उसको लिखा हुआ है आमिल किया और श्रीधर दुबे ने ओरिजिनल स्टोरी लोकेश कनक लोगों ने क्रिएट किया हुआ था स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ था डिरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डिरेक्टर के तौर पर उनकी चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी आईमेक्स थ्री डी फोर डी एक्स आईसी थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज अजय देवगन रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट दिया गया था जिसका मतलब कि फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को पेना स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पी एवे आर पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरो का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पांच गाने वो सभी गाने उन्होंने ही कंपोज किए हुए वहीं पर जो म्यूजिक के राइट्स है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज ने अपने पास रखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग है वो किए धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तेरह जनवरी 2022 से स्टार्ट की गई थी फिल्म की शूटिंग हैदराबाद मादाइल स्लैंड खारगर मुंबई वाराणसी ऐसे अलग अलग लोकेशंस में की गई थी फिल्म के कई एक्शन को ग्रीन स्क्रीन में और असिजय के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसके चलते फिल्म को काफी लंबा टाइम लगा था शूटिंग में करीबन एक साल जितना समय लगा था जहाँ पे छह जनवरी दो तक फिल्म का पेचवर्क कंप्लीट करवाते हुए फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है तब वो वो डायना के रोल रोल में में दिखाई ओरिजिनली ये है नरे ने प्ले किया हुआ था जो एक पुलिस पुलिस मेल ऑफिसर थे तो वो रोल यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ चेंज किया हुआ है वहीं पे संजय मिश्रा ने कॉन्स्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा आशू के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि के, के एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था किरण कुमार ने आईजी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनर के रोल में दिखाई देंगे अरबित रांका ने इस फिल्म में भूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काटची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हिरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली एक रौनक का रोल प्ले किया हुआ है, दीपाली गौतम ने नैना का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा मुकुन्त रमेश पाल को बेंगन का रोल दिया गया था चेतन शर्मा ने चेतन ए के चश्मिस का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंक तिवारी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे बच्चन पाचेरा ने ऑर्फनेज गार्ड का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति गौबा ने इस फिल्म में डॉक्टर सुरभी का रोल प्ले किया हुआ है अखिलेश मिश्रा ने इस फिल्म में अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में ऑर्फनेज टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूरी एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केम्योपीरियस देखने को मिलते हैं जहाँ पे राय लक्ष्मी ने पान दुकान्या गाने में अपना आइटम नंबर दिखाया हुआ एक आइटम सॉन्ग था उसमें उनका बार डांसर के तौर के परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अमला पॉल इस फिल्म के एक फ्लैशबैक पोर्सन में देखने को मिलती है जो डॉक्टर स्वारा का रोल था उन्होंने वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैमियो अपीरेंस देखने को मिलता है भोला के अराइवलवर के रूप में जो एक चोमू सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सीक्वल के लिए रखा गया है

मार्च दो हजार तेईस को थिएटर में यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था सोलह हजार वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सिक्वेंस की तारीफ की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ की गई थी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी ज़रूरत नहीं थी वहीं पे जो फ्लेशबैक पोर्शन है उसको भी शॉर्ट में निपटाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी नज़र आती है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी एज़ अ डायरेक्टर के तौर पर अजय देवगन ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया था वो भी बढ़िया था तो ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी डिसेंट वॉच फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन के ऊपर एक डिसेंट बस के साथ 11 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया हुआ था पहले वीकेंड में फिल्म ने करीबन 40 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया हुआ था नेट कलेक्शन इंडिया से तो पहला वीकेंड एक एक्सटेंडेड वीकेंड था क्योंकि इस फिल्म को गुरुवार को रिलीज़ किया था तो क्या ग्यारह करोड़ बीस लाख पहले दिन पे छः करोड़ दूसरे दिन पे ग्यारह करोड़ तीसरे दिन यानी कि सैटरडे के दिन कलेक्ट किया था संडे के दिन बारह करोड़ बीस लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते इस फिल्म ने वीकेंड चालीस करोड़ चालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक में करीबन चौवन करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दूसरे वीक खत्म होते होते ग्यारह करोड़ बाईस लाख तक कलेक्शन किया तीसरे वीकेंड तक इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन इंडिया का था वो सेवनटी नाइन लेक्स एटी टू करोड़ सॉरी सॉरी सेवनटी नाइन करोड़ एटी टू लेख्स तक पहुंचा हुआ था चौथे वीक तक इस फिल्म ने इक्यासी करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से पाँचवें वीक तक इस फिल्म ने बयासी करोड़ चार लाख का इंडिया से कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन इंडिया में पाँच वीक तक चलाया हुआ था जहाँ पे बयासी करोड़ चार लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन था सन्तानवे करोड़ सड़सठ लाख ओवरसीज में इस फिल्म ने तेरह करोड़ संतानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया है जिसके चलते इस फिल्म ने एक सौ ग्यारह करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वाला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अब एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी भो, भोला नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म का आप विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन में फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो भोला नाम के साथ वो फिल्म वहाँ पे आपको प्रीमियर होती हुई दिखेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से भोला फिल्म को आप ऑफिशियली टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा केदी फिल्म जो भोला का ओरिजिनल वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन गोल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर केदी नाम के साथ आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से भोला फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन भी आप इंजॉय कर पाओगे भोला जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रीमेक किया गया था केदी दो की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोकेश कनेक राज ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे 105 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश ने काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटो थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इसी इन सभी चीजों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के टू आने के पोस्ट पॉसिबिलिटी रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश कनगराज ने लिखी और डरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकोल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से केदी फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पे लोकेश का जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पे केदी केदी टू विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केमियो अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच इसी चीज़ों के बीच में के फिल्म की हिंदी रिमेक राइट्स अजय देवगन ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रिमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवगन ने डिरेक्ट करने का फैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस हुए भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीजें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह ऐड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकवल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए हैं कैदी फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो दो की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हुए हैं इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो कहानी है उसको लिखा हुआ है आमिल कियान खान अंकुश सिंह संदीप केवालियान और श्रीधर दुबे ने ओरिजिनल स्टोरी लोकेश कनक राी की थी उसका हिंदी वर्जन इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ था डायरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी आई मेक्स डी एक्स 3D थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पे रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे उनकी प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज फिल्म अजय देवगन फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ uh, करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट दिया गया था जिसका मतलब कि ये फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को पेनारोमा स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पी पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पाँच गाने

को ग्रीन स्क्रीन में और के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसके चलते फिल्म को काफी लंबा लगा था में। करीबन एक साल जितना समय लगा था दो इस तक फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है तबू एस पी डायना जोसेफ के रोल में दिखाई देंगी ओरिजिनली में ये रोल है वो नरेन प्ले किया हुआ था जो एक पुलिस मेल कौन, कौन, पुलिस ऑफिसर थे तो वो रोल यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ चेंज किया हुआ है वहीं पे संजय मिश्रा ने कांस्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा आंसू के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि आंसू के एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था किरण कुमार ने आईजी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनर के रोल में दिखाई देंगे अर्भित रानका ने इस फिल्म में भूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काटची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हिरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली एक ए रोनक का रोल प्ले किया दीपाली गौतम ने नैना का रोल प्ले किया हुआ है? इसके अलावा मुकुंद रमेश पाल को बेंगन का रोल दिया गया था चेतन शर्मा ने चेतन ए के चश्मिस का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंक तिवारी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे बच्चन पाचेरा ने ऑर्फनेज गार्ड का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति गौबा ने इस फिल्म में डॉक्टर सुरभि का रोल प्ले किया हुआ है अखिलेश मिश्रा ने इस फिल्म में अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में ऑर्फनेज टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूरी एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केमियोपीरियर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे राय लक्ष्मी ने पान दुकान्या गाने में अपना आइटम नंबर दिखाया हुआ एक आइटम सॉन्ग था उसमें उनका बार डांसर के तौर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अमला पॉल इस फिल्म के एक फ्लैशबैक बैक पोर्सन में देखने को मिलती है जो डॉक्टर स्वारा का रोल था उन्होंने वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैमियो कैम्योपीरेंस देखने को मिलता है भोला के अराइवलवर के रूप में जो एक चोमू सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सीक्वल के लिए रखा गया है साउंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज और सारे गमां के पास म्यूजिक के से, टी सीरीज के पास चार गानों के राइट है वहीं पे सारे गा के पास एक गाने के राइट से दो हजार ने गानों के लिरिक्स राइटिंग की हुई है रवीर बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए इसके अलावा सभी गानों को नौ अप्रैल दो को ऑफिशियली यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था नजर लग जाएगी जिसको जावेद अली ने गाया हुआ था आधा में आधी वो उसको बी प्राक ने गाया हुआ था पानी

मार्च दो को थिएटर में यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था पी पिक्चर्स पेन स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म में सोलह वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सिक्वेंस की काफ़ी तारीफ की, की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ की गई थी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ़ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी ज़रूरत नहीं थी वहीं पे जो फ्लैशबैक पोर्शन है उसको भी शॉर्ट

तो क्या ग्यारह करोड़ बीस लाख पहले दिन पे 6 करोड़ दूसरे दिन पे ग्यारह करोड़ तीसरे दिन यानी कि के दिन कलेक्ट किया था संडे के करीबन चौवन करोड़ अस्सी लाख का, ने 40 40 का, ने का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दूसरे वीक खत्म होते होते ग्यारह करोड़ बाईस लाख तक कलेक्शन किया तीसरे वीक तक इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन इंडिया का था वो सेवन करोड़, सोरी, सोरी, नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से पाँच करोड़ चार लाख का इंडिया से कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन इंडिया में पाँच वीक तक चलाया हुआ था जहाँ पे बयासी करोड़ चार लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन था सन्तानवे करोड़ सड़सठ लाख ओवरसिज़ में इस फिल्म ने तेरह करोड़ सन्तानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया है जिसके चलते इस फिल्म ने एक सौ ग्यारह करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वोला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अब एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ टी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी बो...

बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में एंजॉय कर सकते हो इसके अलावा केदी फिल्म जो भोला का ओरिजिनल वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर केदी नाम के साथ आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से भोला फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन भी आप इन्जॉय कर पाओगे भोला जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रीमेक किया गया था केदी दो की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोकेश कनेक राज ने लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन पच्चीस करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ का, का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश कनक राज ने काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इसी इन सभी चीजों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के टू आने के पोसे रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश कनगराज ने लिखी और डायरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकोल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से के फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पे लोकेश कनगराज जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पे के दी विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केम्यू अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच इसी चीज़ों के बीच में के फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स अजय देवगन ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रिमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवगन ने डिरेक्ट करने का फैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीज़ें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह एंड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकवल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए केदी फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस्ड लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो दो की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पर इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हुए इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो उस कहानी है उसको लिखा हुआ है आमिल इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ था डायरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डिरेक्टर के तौर पर उनकी चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी आईमेक्स थ्री डी फोर डी एक्स आईसी थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज अजय देवगन रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट दिया गया था जिसका मतलब की फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को पेना स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पी पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पाँच गाने वो सभी गाने उन्होंने ही कंपोज किए हुए वहीं पर जो म्यूज़िक के राइट्स है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज ने ही अपने पास रखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग है वो किए हुए धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तेरह जनवरी दो

बातचीत करें जो तो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है तबू एस पी डायना जोसेफ के रोल में दिखाई देंगी ओरिजिनली में ये रोल है वो नरेन ने प्ले किया हुआ था जो एक पुलिस मेल पुलिस ऑफिसर थे तो वो रोल यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ चेंज किया हुआ है वहीं पे संजय मिश्रा ने कांस्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा आशू के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि आंसू के एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था किरण कुमार ने आई जी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनार के रोल में दिखाई देंगे अरबित रांका ने इस फिल्म में भूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काटची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हिरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली एक रौनक का रोल प्ले किया हुआ है, दीपाली गौतम ने नैना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुकुंद रमेश पाल को बेंगन का रोल दिया गया था चेतन शर्मा ने चेतन ए के चश्मिस का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंक तिवारी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे बच्चन पाचेरा ने ऑर्फनेज गार्ड का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति गौबा ने इस फिल्म में डॉक्टर सुरभि का रोल प्ले किया हुआ है अखिलेश मिश्रा ने इस फिल्म में अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में ऑर्फनेज टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूर्य एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केमियोपीरियर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे राय लक्ष्मी ने पान दुखने गाने में अपना आइटम नंबर दिखाया हुआ एक आइटम सॉन्ग था उसमें उनका बार डांसर के तौर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अमला पॉल इस फिल्म के एक फ्लैशबैक बैक पोर्सन में देखने को मिलती है जो डॉक्टर स्वारा का रोल था उन्होंने वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैमियो अपीरेंस देखने को मिलता है भोला के अराइवलवर के रूप में जो एक चोमू सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सिक्वल के लिए रखा गया है उंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज और सारे गा के पास म्यूजिक के राइट के पास चार गानों के राइट है वहीं पर सारे गमा के पास एक गाने के राइट है दो हजार ने गानों के लिरिक्स राइटिंग की हुई है रवीर बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा सभी गानों को नौ अप्रैल दो को ऑफिशियली यूट्यूब पे ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था नजर लग जाएगी जिसको जावेद अली ने गाया हुआ था आधा में आधी वो उसको बी प्राक ने गाया हुआ था पान दुकान

मार्च दो को थिएटर में यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था पी पिक्चर्स पेन स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने सोलह वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सिक्वेंस की काफ़ी तारीफ की, की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ की गई थी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी ज़रूरत नहीं थी वहीं पे जो फ्लैशबैक पोर्शन है उसको भी शॉर्ट निपटाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी नजर आती है आर्टिस्ट की बढ़िया थी एज अ डायरेक्टर के तौर पर अजय देवगन ने जिस तरह चीजों को हैंडल किया था वो भी बढ़िया था तो ओवरऑल एक डिसेंट डिसेंट फिल्म फिल्म थी डिसेंट फिल्म थी वॉच जहां ने पहले दिन के ऊपर एक डिसेंट बस के साथ 11 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया हुआ था पहले वीकेंड में फिल्म ने करीबन 40 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया हुआ था नेट कलेक्शन इंडिया से तो पहला वीकेंड एक एक्सटेंडेड वीकेंड था क्योंकि इस फिल्म को गुरुवार को रिलीज किया था तो क्या 11 करोड़ बीस लाख पहले दिन पे छह करोड़ दूसरे दिन पे ग्यारह करोड़ तीसरे दिन यानी कि सैटरडे के के दिन दिन कलेक्ट किया था संडे करोड़ लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते इस फिल्म ने वीकेंड चालीस करोड़ चालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में में इस फिल्म ने पहले वीक चौवन करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दूसरे वीक खत्म होते होते ग्यारह करोड़ बाईस लाख तक कलेक्शन किया तीसरे वीक तक इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन इंडिया का था वो सेवनटी नाइन लेक्स एट्टी टू करोड़ सॉरी सॉरी सेवेंटी नाइन करोड़ एटी टू लैक्स तक पहुंचा हुआ था चौथे वीक तक इस फिल्म ने इक्यासी करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से वीक तक इस फिल्म ने बयासी करोड़ चार लाख का इंडिया से कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन इंडिया में पाँच वीक तक चलाया हुआ था जहाँ पे बयासी करोड़ चार लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोथ कलेक्शन था सन्तानवे करोड़ सड़सठ लाख और में इस फिल्म ने तेरह करोड़ संतानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया है जिसके चलते इस फिल्म ने एक 111 करोड़ 64 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वॉला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ तो लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अब एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स सी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी भोला नाम के साथ जहां पे इस फिल्म का विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन में फिल्म का सेटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पे इंजॉय कर सकते हो तो भोला नाम के साथ वो फिल्म वहां पे आपको प्रीमियर होती हुई दिखेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में एंजॉय कर सकते हो इसके अलावा केदी फिल्म जो भोला का ओरिजिनल वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर केदी नाम के साथ आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से भोला फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन भी आप इन्जॉय कर पाओगे भोला जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रीमेक किया गया था केदी दो की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोकेश कानेगराज ने लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन पच्चीस करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ का, का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश कनक राज ने काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इसी इन सभी चीज़ों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के टू आने के पॉसिबी रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश कनगराज ने लिखी और डायरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से के फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पर लोकेश कनगराज जो फिल्म के डरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पर के दी केदी टू विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केम्यू अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच इसी चीज़ों के बीच में केदी फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स अजय देवगर ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रिमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवगर ने डिरेक्ट करने का फैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस हुए भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीजें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह एंड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकवल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए हैं कैदी फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो दो की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देख को मिले हुए इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो उस कहानी है उसको लिखा हुआ है आमिल कियान खान अंकुश सिंह संदीप और श्रीधर दुबे ने ओरिजिनल स्टोरी लोकेश की थी उसका हिंदी वर्जन इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ था डायरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी आईमेक्स थ्री डी फोर डी एक्स आईसी थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे उनके प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज फिल्म अजय देवगन फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट दिया गया था जिसका मतलब कि यह फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को पेना स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पी एवे आर पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पांच गाने वो सभी गाने उन्होंने ही कंपोज किए हुए वहीं पर जो म्यूजिक के राइट्स है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज ने अपने पास रखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग है वो किए धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तेरह जनवरी 2022 से स्टार्ट की गई थी फिल्म की शूटिंग हैदराबाद मदाइलैंड खारगर मुंबई वाराणसी ऐसे अलग अलग लोकेशंस में की गई थी फिल्म के कई एक्शन को ग्रीन स्क्रीन में और असीजय के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसके चलते फिल्म को काफी लंबा टाइम लगा था शूटिंग में करीबन एक साल जितना समय लगा था जहाँ पे छह जनवरी दो तक फिल्म का पेज वर्क कंप्लीट करवाते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है तब वो वो डायना जोसेफ के रोल में में रोल में में दिखाई ओरिजिनली ये है वो नरे ने प्ले किया हुआ था जो एक पुलिस पुलिस मेल ऑफिसर थे तो वो रोल यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ चेंज किया हुआ है वहीं पर संजय मिश्रा ने कॉन्स्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा आसू के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि के, के एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था किरण कुमार ने आईजी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनर के रोल में दिखाई देंगे अरबित रानका ने इस फिल्म में भूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काटची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हिरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली एक

अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में और फन टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूरी एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केमियोपीरियर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे राय लक्ष्मी ने पान दुकने गाने में अपना आइटम नंबर दिखाया हुआ है एक आइटम सॉन्ग था उसमें उनका बार डांसर के तौर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अमला पॉल इस फिल्म के एक फ्लैशबैक पोर्सन में देखने को मिलती है जो डॉक्टर स्वारा का रोल था उन्होंने वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैम्योपीर देखने को मिलता है भोला के राइवल वर के रूप में जो एक चोमू सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सीक्वल के लिए रखा गया है उंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज और सारे गा के पास म्यूजिक के राइट के पास चार गानों के राइट है वहीं पे सारे दो हजार ने गानों के लिरिक्स राइटिंग की हुई है, रवीर बसरो ने बैकग्राउंड कंपोज किए हुए इसके अलावा सभी गानों को नौ अप्रैल दो को ऑफिशियली यूट्यूब पे वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था नजर लग जाएगी जिसको जावेद अली ने गाया हुआ था आधा में आधी वो उसको बी प्राक ने गाया हुआ था पान दुकान

मार्च दो को थिएटर में यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था पी पिक्चर्स पेन स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने सोलह वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सिक्वेंस की काफ़ी तारीफ की, की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ की गई थी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी ज़रूरत नहीं थी वहीं पे जो फ्लैशबैक पोर्सन है उसको भी शॉर्ट में

तो क्या ग्यारह करोड़ बीस लाख पहले दिन पे छः करोड़ दूसरे दिन पे करोड़ तीसरे दिन यानी कि सैटरडे के दिन कलेक्ट किया था कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते दर्ज किया चौवन करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने, पहले वीक इस फिल्म ने दूसरे वीक खत्म होते होते ग्यारह करोड़ बाईस लाख तक कलेक्शन किया तीसरे वीक तक इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन इंडिया का था वो सेवन इक्यासी करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से पाँचवें बयासी करोड़ चार लाख का इंडिया से, से कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन इंडिया में पाँच वीक तक चलाया हुआ था जहाँ पे बयासी करोड़ चार लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन था सन्तानवे करोड़ सड़सठ लाख और में इस फिल्म ने तेरह करोड़ संतानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया है जिसके चलते इस फिल्म ने एक सौ ग्यारह करोड़ चौसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वाला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अब एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ टी टी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स सी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी बो... भोला नाम के साथ जहां पे इस फिल्म का विथ इंग्लिश सब टाइटल इन्जॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन मेंचडी चैनल के फ्री में होता हुआ, नजर आएगा, कर सकते हो तो, तो रिपीट कर देता हूँ कि भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा केदी फिल्म जो भोला का ओरिजिनल वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन गोल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर केदी नाम के साथ आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से भोला फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन भी आप इन्जॉय कर पाओगे भोला जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रीमेक किया गया था केदी दो की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोकेश कनेक राज ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे 105 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश कनक राज ने काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इसी इन सभी चीजों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के टू आने के पॉसिबल ट रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश कनगराज ने लिखी और डायरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकोल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से केदी फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पे लोकेश कनगराज जो फिल्म के डरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पे के दी विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केमियो अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच इसी चीज़ों के बीच में के फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स अजय देवगन ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रिमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवगन ने डरेक्ट करने का फैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीज़ें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह ऐड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकवल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए हैं केदी फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस्ड लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो दो की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पर इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हुए इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो उस कहानी है उसको लिखा हुआ है आमिल सिंह संदीप केवालियान और श्रीधर दुबे ने ओरिजिनल स्टोरी लोकेश कनक वर्जन इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ था डायरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी एक चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी आई मेक्स थ्री डी फोर डी एक्स आईसी थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे उनकी प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज़ फिल्म अजय देवगन ए फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ तो करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट दिया गया था जिसका मतलब कि यह फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को पेना रोमास ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पी पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पाँच गाने वो सभी गाने उन्होंने ही कंपोज किए हुए वहीं पर जो म्यूज़िक के राइट्स है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज़ ने अपने पास रखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग है वो किए हुए धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तेरह जनवरी दो से स्टार्ट की गई थी फिल्म की शूटिंग हैदराबाद मादाइल मुंबई वाराणसी को, को काफी टाइम करीबन एक साल जितना समय लगा था जहां पर छह जनवरी दो तक फिल्म का पेचवर्क कंप्लीट करवाते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करे तो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है तबू एस पी डायना जोसेफ के रोल में दिखाई देंगे ओरिजिनली में ये रोल है वो नरेन ने प्ले किया हुआ था जो एक पुलिस मेल कौन, 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 पुलिस ऑफिसर थे तो वो रोल यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ चेंज किया हुआ है वहीं पे संजय मिश्रा ने कांस्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा थामा के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि आशू के एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था किरण कुमार ने आईजी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनर के रोल में दिखाई देंगे अर्बित रानका ने इस फिल्म में भूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काटची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हीरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली एक

अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में और फन एज टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूरी एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केमियोपीरियर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर राय लक्ष्मी ने पान दुकन्या गाने में अपना आइटम नंबर दिखाया हुआ एक आइटम सॉन्ग था उसमें उनका बार डांसर के तौर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अमला पॉल इस फिल्म के एक फ्लैशबैक पोर्सन में देखने को मिलती है जो डॉक्टर स्वारा का रोल था उन्होंने वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैम देखने को मिलता है भोला के राइवलवर के रूप में जो एक चोमू सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सिक्वल के लिए रखा गया है साउंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज और सारे गमां के पास म्यूजिक के से, टी सीरीज के पास चार गानों के राइट है वहीं पे सारे गमां के पास एक गाने के राइट है 22 में इन गानों को रिक्रिएट किया गया था और इस साथ कामिल ने गानों के लिरिक्स राइटिंग की हुई है रवीर बसरू ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए इसके अलावा सभी गानों को नौ अप्रैल दो को ऑफिशियली यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था नजर लग जाएगी जिसको जावेद अली ने गाया हुआ था आधा में अधि वो उसको बी प्राक ने गाया हुआ था पान दुका

मार्च दो को थिएटर में यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था पी वी आर पिक्चर्स पेन स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी इस फिल्म ने 16,000 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सिक्वेंस की काफ़ी तारीफ की, की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ़ की गई थी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी जरूरत नहीं थी वहीं पर जो फ्लैशबैक पोर्सन है उसको भी शॉर्ट

तो क्या ग्यारह करोड़ बीस लाख पहले दिन पे 6 करोड़ दूसरे दिन पे ग्यारह करोड़ तीसरे दिन यानी कि सैटरडे के दिन, दिन कलेक्ट किया करोड़ का कलेक्शन करीबन चौवन करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दूसरे वीक खत्म होते होते ग्यारह करोड़ बाईस लाख तक कलेक्शन किया तीसरे वीक तक इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन इंडिया का था वो सेवन करोड़ सॉरी सॉरी सेवेंटी नाइन करोड़ एटी टू लेख्स तक पहुंचा हुआ था चौथे वीक तक इस फिल्म ने इक्यासी करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से पाँचवें वीक तक इस फिल्म ने बयासी करोड़ चार लाख का इंडिया से कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन इंडिया में पाँच वीक तक चलाया हुआ था जहाँ पे बयासी करोड़ चार लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोथ कलेक्शन था सन्तानवे करोड़ सड़सठ लाख और इसमें इस फिल्म ने तेरह करोड़ संतानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया है जिसके चलते इस फिल्म ने एक सौ ग्यारह करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वॉला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अबव एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ टी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी बो... भोला नाम के साथ जहां पे इस फिल्म का आप विद आपको जी सिनेमा, जी सिनेमा, प्रीमियर हो। तो होती हुई दिखेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भोला फिल्म को आप ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में एंजॉय कर सकते हो इसके अलावा केदी फिल्म जो भोला का ओरिजिनल वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर केदी नाम के साथ आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से भोला फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन भी आप इन्जॉय कर पाओगे भोला जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रीमेक किया गया था केदी दो की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोके लोकेश कनेक ने लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन पच्चीस करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश कनक राज ने काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इस एक, इन सभी चीजों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के टू आने के पॉसिब रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश कनगराज ने लिखी और डायरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकोल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से केदी फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पर लोकेश कनगराज जो फिल्म के डरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पर केदी के टू विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केम्यू अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच इसी चीज़ों के बीच में केदी फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स अजय देवगन ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रिमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवगन ने डायरेक्ट करने का फैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीज़ें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह एंड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकुल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए कैदी फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब ड़ वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइनस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूटूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो दो की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हुए इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो उस कहानी है उसको लिखा हुआ है आमिल सिंह संदीप केवालियान और श्रीधर दुबे ने ओरिजिनल स्टोरी लोकेश कनक राधन इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ था डिरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डिरेक्टर के तौर पर उनकी ये चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी आईमेक्स थ्री डी फोर डी एक्स आईसी थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे उनकी प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज़ फिल्म अजय देवगन ए फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट दिया गया था जिसका मतलब कि यह फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को पेना रोमा स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पी पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पांच गाने वो सभी गाने उन्होंने ही कंपोज किए हुए वहीं पर जो म्यूजिक के राइट्स है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज ने ही अपने पास रखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग है वो किए हुए धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तेरह जनवरी दो

बातचीत करें जो तो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है संजय मिश्रा ने कॉन्स्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा आशू के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि आशुकी एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था किरण कुमार ने आईजी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनार के रोल में दिखाई देंगे अरबित रांका ने इस फिल्म में भूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काटची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हिरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली एक रौनक का रोल प्ले किया हुआ है दीपाली गौतम ने नैना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुकुंद रमेश पाल को बेंंगन का रोल दिया गया था चेतन शर्मा ने चेतन ए के चश्मिस का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंक तिवारी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे बच्चन पाचेरा ने ऑर्फनेज गार्ड का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति गौबा ने इस फिल्म में डॉक्टर सुरभी का रोल प्ले किया हुआ है अखिलेश मिश्रा ने इस फिल्म में अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में ऑर्फन एज टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूर्य एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केमियोपीरियर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे राय लक्ष्मी ने पान दुखने गाने में अपना आइटम नंबर दिखाया हुआ एक आइटम सॉन्ग था उसमें उनका बार डांसर के तौर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अमला पॉल इस फिल्म के एक फ्लैशबैक पोर्सन में देखने को मिलती है जो डॉक्टर स्वारा का रोल था उन्होंने वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैमियो अपीरेंस देखने को मिलता है भोला के अराइवलवर के रूप में जो एक चोमू सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सिक्वल के लिए रखा गया है उंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज और सारे गा के पास म्यूजिक के दो हजार ने गानों रवीर बसरो ने बैकग्राउंड कंपोज किए हुए इसके अलावा सभी गानों को नौ अप्रैल दो को ऑफिशियली यूट्यूब पे वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था नजर लग जाएगी जिसको जावेद अली ने गाया हुआ था आधा में आधी वो उसको बी प्राक ने गाया हुआ था पान दुकान

मार्च दो को थिएटर में यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था पिक्चर्स पेन स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने सोलह वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सिक्वेंस की काफी तारीफ की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ की गई थी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी जरूरत नहीं थी वहीं पर जो फ्लैशबैक पोर्सन है उसको भी शॉर्ट निपटाया जा सकता था इसके अलावा इस, इस तो फिल्म में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी नजर आती है पहले दिन के ऊपर 11 करोड़ 20 लाख का, का कलेक्शन किया हुआ था पहले वीकेंड में फिल्म ने करीब 40 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया हुआ था नेट कलेक्शन इंडिया से तो पहला वीकेंड एक एक्सटेंडेड वीकेंड था क्योंकि इस फिल्म को गुरुवार को रिलीज किया था तो क्या ग्यारह करोड़ बीस लाख पहले दिन पे छह करोड़ दूसरे दिन पे ग्यारह करोड़ तीसरे दिन यानी कि सैटरडे के दिन कलेक्ट किया था संडे के दिन बारह करोड़ बीस लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते इस फिल्म ने वीकेंड चालीस करोड़ चालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में में इस फिल्म ने पहले वीक चौवन करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दूसरे वीक खत्म होते होते ग्यारह करोड़ बाईस लाख तक कलेक्शन किया तीसरे वीक के एंड तक इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन इंडिया का था वो सेवनटी नाइन लेक्स एटी टू करोड़ सॉरी सॉरी सेवेंटी नाइन करोड़ एटी टू लैक्स तक पहुंचा हुआ था चौथे वीक तक इस फिल्म ने इक्यासी करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से पाँचवें वीक तक इस फिल्म ने बयासी करोड़ चार लाख का इंडिया से कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन इंडिया में पाँच वीक तक चलाया हुआ था जहाँ पे बयासी करोड़ चार लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन था सन्तानवे करोड़ सड़सठ लाख और सीज में इस फिल्म ने तेरह करोड़ सन्तानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने एक सौ ग्यारह करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वॉला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ अच्छा लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अब एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स सी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी भो, भोला नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म का विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन में फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर इंजॉय कर सकते हो तो भोला नाम के साथ वो फिल्म वहां पर आपको प्रीमियर होती हुई दिखेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको जी सिनेमा और जी सिनेमा के बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा केदी फिल्म जो भोला का ओरिजिनल वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन गोल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर केदी नाम के साथ आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से भोला फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन भी आप इंजॉय कर पाओगे भोला जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रीमेक किया गया था केदी 2019 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोकेश कानेक राज ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे 105 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश कनक राज ने काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इस एक, इन सभी चीज़ों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के दी टू आने के पॉसिबल रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश कनगराज ने लिखी और डायरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और ये वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से केदी फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पर लोकेश कनगराज जो फिल्म के डरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पर केदी केदी टू विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केम्यू अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच सी चीज़ों के बीच में केदी फिल्म की हिंदी रिमेक राइट्स अजय देवघर ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रिमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवघर ने डिरेक्ट करने का फैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस किये हुआ है भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीजें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह एंड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकवल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए हैं कैदी फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो दो की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देख को मिले हुए इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो उस कहानी है उसको लिखा हुआ श्रीधर दुबे ने, ने क्रिएट किया हुआ था। प्ले भी लिखा हुआ था डायरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी आईमेक्स थ्री डी फोर डी एक्स थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे उनकी प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज फिल्म अजय देवगन फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ uh, करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट दिया गया था जिसका मतलब कि यह फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को पेना स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पी पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पाँच गाने वो सभी गाने उन्होंने ही कंपोज किए हुए वहीं पर जो म्यूज़िक के राइट्स है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज़ ने अपने पास रखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग है वो किए हुए धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने इस फिल्म को 144 मिनट यानी कि दो घंटे 24 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 13 जनवरी दो से स्टार्ट की गई थी फिल्म की शूटिंग हैदराबाद मदाइसलैंड खारगर मुंबई वाराणसी ऐसे अलग अलग लोकेशन में की गई थी फिल्म के कई एक्शन को ग्रीन स्क्रीन में और के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसके चलते फिल्म को काफी लंबा टाइम लगा था शूटिंग में करीबन एक साल जितना समय लगा था जहाँ पे छह जनवरी दो तक फिल्म का पेज वर्क कम्प्लीट करवाते हुए फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है तबू एस पी डायना जोसेफ के रोल में दिखाई देंगी ओरिजिनली में ये रोल है वो नरेन ने प्ले किया हुआ था जो एक पुलिस मेल कौन, कौन, पुलिस ऑफिसर थे तो वो रोल यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ चेंज किया हुआ है वहीं पे संजय मिश्रा ने कॉन्स्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा थामा के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि आशुकेल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था किरण कुमार ने आईजी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनर के रोल में दिखाई देंगे अरबित रांका ने इस फिल्म में पूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हीरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली एक रौनक का रोल प्ले किया हुआ है दीपाली गौतम ने नैना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुकुंद रमेश पाल को बेंगन का रोल दिया गया था चेतन शर्मा ने चेतन ए के चश्मिश का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंक तिवारी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे बच्चन पाचेरा ने ऑर्फनेज गार्ड का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति गौबा ने इस फिल्म में डॉक्टर सुरभि का रोल प्ले किया हुआ है अखिलेश मिश्रा ने इस फिल्म में अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में और फन टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूरी एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केमियोपीरियर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे राय लक्ष्मी ने पान दुकने गाने में अपना आइटम नंबर दिखाया हुआ है एक आइटम सॉन्ग था उसमें उनका बार डांसर के तौर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अमला पॉल इस फिल्म के एक फ्लैशबैक पोर्सन में देखने को मिलती है जो डॉक्टर स्वारा का रोल था उन्होंने वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैम देखने को मिलता है बोला के राइवलवर के रूप में जो एक चोमू सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सीक्वल के लिए रखा गया है साउंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज और सारे गमां के पास म्यूजिक के राइट्स है टी सीरीज के पास चार गानों के राइट्स है वहीं पे सारे गा के पास एक गाने के राइट से दो हजार इन गानों को रिक्रिएट किया गया था और इस साथ इसमिल ने गानों के लिरिक्स राइटिंग की हुई है रवीर बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा सभी गानों को नौ अप्रैल दो को ऑफिशियली यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था नजर लग जाएगी जिसको जावेद अली ने गाया हुआ था आधा में आधी वो उसको बी प्राक ने गाया हुआ था पान

मार्च दो को थिएटर में यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था पी पिक्चर्स पेन स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने सोलह वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सिक्वेंस की काफ़ी तारीफ की, की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ़ की गई थी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ़ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी ज़रूरत नहीं थी वहीं पे जो फ्लैशबैक पोर्शन है उसको भी शॉर्ट

क्या ग्यारह करोड़ बीस लाख पहले दिन पे छः करोड़ दूसरे दिन पे ग्यारह करोड़ तीसरे दिन यानी कि के सैटरडे के दिन, किया था। के दिन 12 करोड़ बीस लाख का कलेक्शन करीबन चौवन करोड़ अस्सी लाख का, का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दूसरे वीक खत्म होते होते ग्यारह करोड़ बाईस लाख तक कलेक्शन किया तीसरे वीक तक इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन इंडिया का था वो सेवन ले करोड़ सॉरी सेवनटी नाइन करोड़ एटी टू लेक्स तक हुआ था चौथे वीक तक इस फिल्म ने इक्यासी करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से वीक तक इस फिल्म ने बयासी करोड़ चार लाख का इंडिया से कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन इंडिया में पाँच वीक तक चलाया हुआ था जहाँ पे बयासी करोड़ चार लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन था सन्तानवे करोड़ सड़सठ लाख ओवरसीज में इस फिल्म ने तेरह करोड़ संतानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया है जिसके चलते इस फिल्म ने एक 111 करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वॉला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अब एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ टी टी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी भो, भोला नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म का आप विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन में फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो तो भोला नाम के साथ वो फिल्म वहाँ पे आपको प्रीमियर होती हुई दिखेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेटेल

भोला जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रिमेक किया गया था केदी 2019 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोकेश कनेक राज ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश कनक राज ने काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इसी इन सभी चीजों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के टू आने के पोसेस पॉसिबिलिटी रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश कनगराज ने लिखी और डायरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको और कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकोल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से केदी फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पे लोकेश कनगराज जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पे केदी के टू विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केम्यू अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच इसी चीज़ों के बीच में के फिल्म की हिंदी रिमेक राइट्स अजय देवगन ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रिमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवगन ने डायरेक्ट करने का फैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीज़ें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह एंड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकवल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए केदी कि फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो हज़ार की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हुए इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो कहानी है उसको लिखा हुआ है आमिल सिंह संदीप केवालियान और श्रीधर दुबे ने ओरिजिनल स्टोरी लोकेश कनक वर्जन इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ था डायरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी आई मेक्स थ्री डी फोर डी एक्स आईसी थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे उनकी प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज़ फिल्म अजय देवगन ए फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट दिया गया था जिसका मतलब कि फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को पेना रोमास स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पी ए आर पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरूट का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पाँच गाने वो सभी गाने उन्होंने ही कंपोज किए हुए वहीं पर जो म्यूज़िक के राइट्स है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज़ ने अपने पास रखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग है वो किए हुए धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तेरह जनवरी 2022 से स्टार्ट की गई थी फिल्म की शूटिंग हैदराबाद मदाई स्लैंड खारगर मुंबई वाराणसी ऐसे अलग अलग लोकेशंस में की गई थी फिल्म के कई एक्शन सिक्वंस को ग्रीन स्क्रीन में और सीजय के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसके चलते फिल्म को काफ़ी लंबा टाइम लगा था शूटिंग में करीबन एक साल जितना समय लगा था जहाँ पे छः जनवरी दो तक फिल्म का पेजवर्क कंप्लीट करवाते हुए फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है तबू एस पी डायना जोसेफ के रोल में दिखाई देंगे ओरिजिनली में ये रोल है वो नरें ने प्ले किया हुआ था जो एक पुलिस मेल पुलिस ऑफिसर थे तो वो रोल यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ चेंज किया हुआ है वहीं पर संजय मिश्रा ने कॉन्स्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा थामा आंसू के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि के आशुकेल्ड ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था किरण कुमार ने आईजी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनर के रोल में दिखाई देंगे अरबित रांका ने इस फिल्म में भूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हिरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली ए के नक का रोल प्ले किया हुआ है, दीपाली गौतम ने नैना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुकुंद रमेश पाल को बेंगन का रोल दिया गया था चेतन शर्मा ने चेतन ए के ए चश्मिस का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंक तिवारी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे बच्चन पाचेरा ने ऑर्फनेज गार्ड का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति गौबा ने इस फिल्म में डॉक्टर सुरभि का रोल प्ले किया हुआ है अखिलेश मिश्रा ने इस फिल्म में अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में ऑर्फनेज टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूर्य एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केम्योपीरियस देखने को मिलते हैं जहाँ पे राय लक्ष्मी ने पान दुकान्या गाने में अपना आइटम नंबर दिखाया हुआ एक आइटम सॉन्ग था उसमें उनका बार डांसर के तौर पे के परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अमला पॉल इस फिल्म के एक फ्लैशबैक बैक पोर्सन में देखने को मिलती है जो डॉक्टर स्वारा का रोल था उन्होंने वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैमियो कैम्योपीरेंस देखने को मिलता है भोला के अराइवलवर के रूप में जो एक चोमू सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सीक्वल के लिए रखा गया है साउंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ और सारे गमां के पास म्यूजिक के राइट्स है टी सीरीज़ के पास चार गानों के राइट्स है वहीं पे सारे गमा के पास एक गाने के राइट्स है 2021 22 में इन गानों को क्रिएट किया गया था और इस साथ कामिल ने गानों के लिरिक्स राइटिंग की हुई है रवीर बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा सभी गानों को 9 अप्रैल 2023 को ऑफिशियली यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था नजर लग जाएगी जिसको जावेद अली ने गाया हुआ था आधा में वो उसको बी प्राक ने गाया हुआ था पान दुकान गाने को कनिका कपूर स्वरूप खान ने गाया था ये एक आइटम सॉन्ग था जिसमें राय लक्ष्मी ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था दिल है बोला उसको अमित मिश्रा ने दिए गाया हुआ था वहीं पर आरा ओ आ रो करके जो गाना था उसको हरिहरन ने गाया हुआ था तो ये टोटल तेईस मिनट के साइड साउंड ट्रिक के साथ इस गानों को क्रिएट किया गया था जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली यूट्यूब पे टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पे 2D 3D IMAX 3D 4DX IC 3D फॉर्मेट में 30 मार्च 2023 को थिएटर में यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था पी वी आर पिक्चर्स पेन स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म ने 16,000 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सिक्वेंस की काफ़ी तारीफ की, की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ की गई थी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी जरूरत नहीं थी वहीं पर जो फ्लैशबैक पोर्सन है उसको भी शॉर्ट निपटाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी नजर आती है तो पहले दिन के ऊपर एक डिसेंट बस के साथ 11 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया हुआ था पहले वीकेंड में फिल्म ने करीबन 40 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया हुआ था नेट कलेक्शन इंडिया से तो पहला वीकेंड एक एक्सटेंडेड वीकेंड था क्योंकि इस फिल्म को गुरुवार को रिलीज किया था तो क्या ग्यारह करोड़ बीस लाख पहले दिन पे छह करोड़ दूसरे दिन पे ग्यारह करोड़ तीसरे दिन यानी कि सैटरडे के दिन कलेक्ट किया था संडे के दिन करोड़ लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते इस इस फिल्म फिल्म ने ने वीकेंड करोड़ लाख का दर्ज किया उसके बाद में पहले वीक में करीबन चौवन करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दूसरे वीक खत्म होते होते ग्यारह करोड़ बाईस लाख तक कलेक्शन किया तीसरे वीक तक इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन इंडिया का था वो सेवन ले करोड़ सॉरी सेवेंटी नाइन करोड़ एटी टू लैक्स तक पहुंचा हुआ था चौथे वीक तक इस फिल्म ने इक्यासी करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से वीक तक इस फिल्म ने बयासी करोड़ चार लाख का इंडिया से कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन इंडिया में पाँच वीक तक चलाया हुआ था जहाँ पे बयासी करोड़ चार लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोथ कलेक्शन था सन्तानवे करोड़ सड़सठ लाख और सीज में इस फिल्म ने तेरह करोड़ संतानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया है जिसके चलते इस फिल्म ने एक सौ ग्यारह करोड़ चौसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वॉला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अबव एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ टी टी राइड्स प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स सी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी भो, भोला नाम के साथ जहां पे इस फिल्म का आप विध इंग्लिशल सब विध सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन में फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पे इंजॉय कर सकते हो तो भोला नाम के साथ वो फिल्म वहां पे आपको प्रीमियर होती हुई दिखेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेटेड चैनल जी जी सिनेमा और जी सिनेमा और के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से फिल्म आप ऑफिशियली और सैटेलाइट के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा केदी फिल्म जो भोला का ओरिजिनल वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन गोल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर केदी नाम के साथ आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से भोला फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन भी आप इंजॉय कर पाओगे भोला जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रीमेक किया गया था केदी 2019 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोकेश कानेगराज ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे 105 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश कनक राज ने काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इस एक, इन सभी चीज़ों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीजें फिल्म को काफ़ी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के टू आने के पॉसिबी रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश कनक ने लिखी और डायरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको आ, कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और ये वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकोल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से के फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पे लोकेश का जो फिल्म के डरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पर के के टू विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केम्यू अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच इसी चीज़ों के बीच में केदी फिल्म के हिंदी रीमेक राइट्स अजय देवगन ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रिमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवगन ने डिरेक्ट करने का फैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस हुए भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीज़ें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह ऐड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकुल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए हैं कैदी फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस्ड लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूटूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो दो की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पर इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देख ने को मिले हुए इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो कहानी है उसको लिखा हुआ है आमिल सिंह संदीप केवालियान और श्रीधर दुबे ने ओरिजिनल स्टोरी लोकेश कनक हिंदी वर्जन इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ था डरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डिरेक्टर के तौर पर उनकी ये चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी आई मैक्स थ्री डी फोर डी एक्स आई सी थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज अजय देवगन रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट दिया गया था जिसका मतलब कि यह फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को पेना स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पी ए आर पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पांच गाने वो सभी गाने उन्होंने ही कंपोज किए हुए वहीं पर जो म्यूजिक के राइट्स है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज ने अपने पास रखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग है वो किए हुए धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तेरह जनवरी 2022 से स्टार्ट की गई थी फिल्म की शूटिंग हैदराबाद मादाइड खारगर मुंबई वाराणसी ऐसे अलग अलग लोकेशंस में की गई थी फिल्म के कई एक्शन सिक्वेंस को ग्रीन स्क्रीन में और असिजय के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसके चलते फिल्म को काफी लंबा टाइम लगा था शूटिंग में करीबन एक साल जितना समय लगा था जहाँ पे छह जनवरी दो तक फिल्म का पेचवर्क कंप्लीट करवाते हुए फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ चेंज किया हुआ है वहीं पर संजय मिश्रा ने कॉन्स्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा आशू के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि आशुक एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था किरण कुमार ने आईजी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनर के रोल में दिखाई देंगे अरबित रांका ने इस फिल्म में भूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काटची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हीरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली एक रौनक का रोल प्ले किया हुआ है, दीपाली गौतम ने नैना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुकुंद रमेश पाल को बेंंगन का रोल दिया गया था चेतन शर्मा ने चेतन ए के चश्मिस का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंक तिवारी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे बच्चन पाचेरा ने ऑर्फनेज गार्ड का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति गौबा ने इस फिल्म में डॉक्टर सुरभी का रोल प्ले किया हुआ है अखिलेश मिश्रा ने इस फिल्म में अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में ऑर्फन एज टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूर्य एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केमियोपीरियर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे राय लक्ष्मी ने पान दुखने गाने में अपना दिखाया हुआ, एक उसमें वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैम्योपीरेंस देखने को मिलता है भोला के अराइवलवर के रूप में जो एक चोम सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सीक्वल के लिए रखा गया है

मार्च दो को थिएटर में यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था पी पिक्चर्स पेन स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने सोलह वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सिक्वेंस की काफ़ी तारीफ की, की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ की गई थी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी जरूरत नहीं थी वहीं पे जो फ्लैशबैक पोर्शन है उसको भी शॉर्ट में निपटाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी नज़र आती है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी एज अ डायरेक्टर के तौर पर अजय देवगन ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया था वो भी बढ़िया था तो ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी डिसेंट वॉच फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन के ऊपर एक डिसेंट बस के साथ ग्यारह करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था पहले वीकेंड में फिल्म ने करीब चालीस करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था नेट कलेक्शन इंडिया से तो पहला वीकेंड एक एक्सटेंडेड वीकेंड था क्योंकि इस फिल्म को गुरुवार को रिलीज किया था तो क्या ग्यारह करोड़ बीस लाख पहले दिन पे छः करोड़ दूसरे दिन पे करोड़ तीसरे दिन यानी कि सैटरडे के दिन कलेक्ट किया था संडे के दिन बारह का कलेक्शन चौवन करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दूसरे वीक खत्म होते होते ग्यारह करोड़ बाईस लाख तक कलेक्शन किया तीसरे वीक तक इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन इंडिया का था वो सेवन लेक्स एटी टू करोड़ सेवन करोड़ एटी टू लेक्स तक पहुंचा हुआ था चौथे विक तक इस फिल्म ने इक्यासी करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से पांचवे विक तक इस फिल्म ने बयासी करोड़ चार लाख का इंडिया से कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन इंडिया में पाँच वीक तक चलाया हुआ था जहाँ पे बयासी करोड़ चार लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन था संतानवे करोड़ सड़सठ लाख और सीज में इस फिल्म ने तेरह करोड़ सन्तानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने एक करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वॉला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अबव एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स सी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी भो, भोला नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म का आप विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन में फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो भोला नाम के साथ वो फिल्म वहाँ पे आपको प्रीमियर होती हुई दिखेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल जी जी सिनेमा और जी सिनेमा और के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से भोला फिल्म को आप ऑफिशियली और सैटेलाइट के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा केदी फिल्म जो भोला का ओरिजिनल वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन गोल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर केदी नाम के साथ आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से भोला फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन भी आप इंजॉय कर पाओगे भोला जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म को केदी फिल्म से रीमेक किया गया था केदी दो की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको लोकेश कानेक राज ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे 105 करोड़ का, का कलेक्शन किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जहाँ पे इस फिल्म में ना तो कोई गाना था ना तो कोई हीरोइन का किरदार था उसके बावजूद इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पन कनेक्ट किया हुआ था इस फिल्म में लोकेश कनक राज ने काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था एक नाइट की कहानी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और साथ ही में जो एक्शन सिक्वेंस थे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी थी जो बैकग्राउंड स्कोर था और इसी इन सभी चीज़ों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो सभी चीज़ें फिल्म को काफी बढ़िया बना गई थी इसके चलते फिल्म ने पच्चीस करोड़ के सामने एक करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को इस तरह से एंड किया जिसके चलते के टू आने के पॉसिबल टी रहे और उसके बाद में विक्रम फिल्म आई हुई थी जो भी लोकेश का राज ने लिखी और डायरेक्ट की हुई थी जिसमें लीड रोल में देखने को मिले होंगे आपको कमल हसन और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म का एंड भी कुछ उसी तरह रखा कि जिसके बाद उसका सिकल आने का चांस रहे और विक्रम फिल्म में जिस तरह से के फिल्म को कनेक्ट किया हुआ था स्टोरी को फॉलो किया हुआ था वो सभी चीज़ें इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर गए और बाद में सामने आया कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स करके एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पर लोकेश कनगराज जो फिल्म के डरेक्टर है उनका ये एक्शन थ्रिलर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जहाँ पर के दी विक्रम विक्रम टू लियो और हो सके तो पॉसिबिलिटी तो विक्रम में एंड में आपको जो एक केमियो अपीरेंस सूर्या का देखने को मिला था रोलेक्स के रोल में तो उनका भी एक प्रॉपर उनके किरदार के ऊपर फिल्म बनी बन बनेगी आने वाले समय में तो इस तरह से इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले इन सभी बीच सी चीज़ों के बीच में के फिल्म की हिंदी रिमेक राइट्स अजय देवगन ने खरीदे हुए थे जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे वो भी रिमेक के साथ जुड़े हुए थे और बाद में इस फिल्म को भी अजय देवगन ने डरेक्ट करने का फैसला लिया हुआ था वैसे काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए भोला का अपना कुछ खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है तो वो सभी चीजें इस फिल्म के ऊपर आगे जाके बनने वाली है भोला फिल्म को भी कुछ उसी तरह एंड किया है कि आखिर में चांसेस रहे आने वाले सिकवल के लिए इसके अलावा जो भोला फिल्म है उसको जिस तरह से तैयार किया हुआ था उसमें गाने भी डाले हुए हैं हीरोइन का भी किरदार सेट किया हुआ है साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर का किरदार है उसको भी चेंज किया हुआ है जो अजय देवगन का किरदार था उसमें भी थोड़े चेंजेस लिए हुए हैं तो इस तरह से भोला को काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हुए हैं कैदी फिल्म के मुकाबले स्टोरी लाइन बेस लाइन सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजेस फिल्म में देखने को मिलते हैं अब बात करें भोला के ऊपर तो उससे पहले मैं बता दूं कि केदी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसका जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भोला नाम के साथ हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी डबिंग अच्छी थी उस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो भोला के ऊपर बातचीत करें तो हज़ार की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म में जो एडवेंचर वर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ही रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हुए हैं इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है अजय देवगन ने और जो उस कहानी है उसको लिखा हुआ है आमिल कियान खान अंकुश सिंह संदीप केवालियान और श्रीधर दुबे ने ओरिजिनल स्टोरी लोकेश कनक थी उसका हिंदी वर्जन इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ था डरेक्शन अजय देवगन ने किया हुआ था एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में टू डी थ्री डी आई मेक्स डी एक्स आईसी थ्री डी फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पे रिलीज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को अजय देवगन भूषण कुमार कृष्ण कुमार एस आर प्रकाश बाबू एस आर प्रभु रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूसर्स के नीचे उनकी प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि टी सीरीज फिल्म अजय देवगन फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट में बनाया हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ चौवालीस मिनट दिया गया था जिसका मतलब कि ये फिल्म दो घंटे चौबीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था पीएर पिक्चर्स ने वर्ल्डवाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो असीम बजाज ने सिनेमेटोग्राफी की हुई थी रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में टोटल पाँच गाने वो सभी गाने उन्होंने ही कंपोज किए हुए वहीं पे जो म्यूज़िक के राइट्स है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज ने ही अपने पास रखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग है वो किए हुए धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तेरह जनवरी दो से स्टार्ट की गई थी फिल्म की शूटिंग हैदराबाद मदाइस खारगर मुंबई वाराणसी में, में और साल जितना समय लगा था, जहां पे छह जनवरी दो तक फिल्म का पेज वर्क कम्प्लीट करवाते हुए फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करे जो तो अजय देवगन ने भोला का रोल प्ले किया हुआ है जो लीड रोल है तबू एस पी डायना जोसेफ के रोल में दिखाई देंगे ओरिजिनली में ये रोल है वो नरन ने प्ले किया हुआ था जो एक पुलिस मेल कौन, कौन, पुलिस ऑफिसर थे तो वो रोल यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ चेंज किया हुआ है वहीं पे संजय मिश्रा ने कॉन्स्टेबल अंगत यादव का रोल प्ले किया हुआ था दीपक डोबरियाल आपको इस फिल्म में अश्वत्थामा थामा के रोल में दिखाई देंगे जो निठारी के यंगर ब्रदर थे गजराज राव ने इस फिल्म में देवराज सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में विनीत कुमार ने निठारी यानी कि आशुके एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ था किरण कुमार ने आईजी जयंत मलिक का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे प्रिजनर के रोल में दिखाई देंगे अर्भित रानका ने इस फिल्म में भूरा का रोल प्ले किया हुआ है आमिर खान ने काटची का रोल प्ले किया हुआ है खान जहांगीर खान ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है लोकेश मित्तल ने इस फिल्म में दीप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस ऑफिसर का रोल था ज्योति जो भोला की सिस्टर सॉरी बहन का बेटी का रोल था वो हीरवा त्रिवेदी ने प्ले किया हुआ था आरजू सोनी के रोल में रचना देखने को मिलेंगे तरुण गहलोत ने इस फिल्म में अब्बास अली एक एर रौनक का रोल प्ले किया हुआ है, दीपाली गौतम ने नैना का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा मुकुंद रमेश पाल को बेंगन का रोल दिया गया था चेतन शर्मा ने चेतन ए के चश्मिस का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंक तिवारी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे बच्चन पाचेरा ने ऑर्फनेज गार्ड का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति गौबा ने इस फिल्म में डॉक्टर सुरभि का रोल प्ले किया हुआ है अखिलेश मिश्रा ने इस फिल्म में अर्पित मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था सीमा परी ने इस फिल्म में ऑर्फनेज टीचर का रोल प्ले किया हुआ है यूरी सूरी एक हेरेसर के रोल में दिखाई देंगे कुछ केमियो केमियोपीरियर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे राय लक्ष्मी ने पान दुकान्या गाने में अपना आइटम नंबर दिखाया हुआ एक आइटम सॉन्ग था उसमें उनका बार डांसर के तौर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अमला पॉल इस फिल्म के एक फ्लैशबैक बैक पोर्सन में देखने को मिलती है जो डॉक्टर स्वारा का रोल था उन्होंने वो प्ले किया हुआ था जो भोला की वाइफ का रोल था और ज्योति की माँ का रोल था वहीं पर अभिषेक बच्चन का फिल्म के आखिर में क्रेडिट के सीन में एक कैमियो कैम्योपीरेंस देखने को मिलता है भोला के राइवल वर के रूप में जो एक चोमू सिंह वाला किरदार था वो उनका था जो फिल्म के आने वाले सीक्वल के लिए रखा गया है साउंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज और सारे गमां के पास म्यूजिक के टी सीरीज के पास चार गानों के राइट है वहीं पे सारे गा के पास एक गाने के राइट से दो हजार ने गानों के लिरिक्स राइटिंग की हुई है रवीर बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए इसके अलावा सभी गानों को नौ अप्रैल दो को ऑफिशियली यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था नजर लग जाएगी जिसको जावेद अली ने गाया हुआ था आधा में आधी वो उसको बी प्राक ने गाया हुआ था पान

मार्च दो को थिएटर में यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था पी पिक्चर्स पेन स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने सोलह वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की काफ़ी तारीफ की, की गई थी जिस तरह से डिरेक्शन किया था उसकी तारीफ की गई थी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर था वो अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था ऐसा बताया गया फिल्म में जो कुछ गाने रखे हुए उसकी ज़रूरत नहीं थी वहीं पर जो फ्लैशबैक पोर्सन है उसको भी शॉर्ट निपटाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी नज़र आती है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी एज अ डायरेक्टर के तौर पर अजय देवगन ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया था वो भी बढ़िया था तो ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी डिसेंट वॉच फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन के ऊपर एक डिसेंट बस के साथ 11 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया हुआ था पहले वीकेंड में फिल्म ने करीबन 40 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया हुआ था नेट कलेक्शन इंडिया से तो पहला वीकेंड एक एक्सटेंडेड वीकेंड था क्योंकि इस फिल्म को गुरुवार को रिलीज किया था तो क्या ग्यारह करोड़ बीस लाख पहले दिन पे छः करोड़ दूसरे

पहुंचा हुआ था चौथे वीक तक इस फिल्म ने इक्यासी करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से पांचवे ने का, तो ने का नेट कलेक्शन इंडिया से लाइफ टाइम का निकला हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन था संतानवे करोड़ सड़सठ लाख और तेरह करोड़ सन्तानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने एक करोड़ चौसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे वाला फिल्म का बजट 100 करोड़ था उसके सामने 111 करोड़ चौंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अबव एवरेज फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ टी टी राइड्स एमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने 30 से 40 करोड़ में खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो वो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी भो, भोला नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म का आप विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन में फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पे इंजॉय कर सकते हो तो भोला नाम के साथ वो फिल्म वहां पर आपको प्रीमियर होती हुई दिखेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भोला फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको हो तो इस तरह से ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा केदी फिल्म जो भोला का ओरिजिनल वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन गोल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर केदी नाम के साथ आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से भोला फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन भी आप एंजॉय कर पाओगे तो बस गायस भोला फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की हुई है फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा की हुई है फिल्म के ओरिजिनल रिमिक के बीच में भी बातचीत की हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर मैंने कहानी के ऊपर चर्चा की हुई है इसके अलावा आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू